चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। जुड़े एक बार सभी मशीन एक ग्रंथ में। मशीन में 8 लेक्चर तक हम जहां पर थे, अब 9वां लेक्चर होगा हमारा 9। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका UPPCL JE का भी एग्ज़ाम हुआ होगा, तो कुछ बच्चे मुझे बस ये कमेंट करके बताएंगे कि UPPCL JE का एग्ज़ाम एक्चुअली हुआ कैसा और कितना अपने स्कोर किया है। एक बार यहाँ बात करें, बाकी मैं एक अलग क्लास लेके डिस्कशन करूँगा रिगार्डिंग UPPCL JE एग्ज़ाम्स। ओके सो एक बार मुझे अगर जिनका पेपर अच्छा गया है कितना बाय कितना आपने स्कोर किया एटलीस्ट ये लिखिए, क्योंकि हमारा 2 दिन का क्लास ऑफ ही इसीलिए था क्योंकि आपका UPPCL JE के एग्ज़ाम्स थे। ओके सो कितना क्या रहा एक बार मुझे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं क्लास लूँगा तो सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग हिमांशु, कांति सिंह, विपिन लंबा, गुड मॉर्निंग नरेंद्र कुमार, संजय सूर्यवंशी जी गुड मॉर्निंग, यादव जी गुड मॉर्निंग, अभी ऋतिक, दिव्यांश राय गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट आकाश, दिव्यांश ओके, विशाल कुमार, हिमांशु। चलिए गुड मॉर्निंग यू और गुड मॉर्निंग। 2 दिन 3 दिन का गैप हो गया, संडे भी इंक्लूड हो गया, सो गैप लंबा हो गया 3 दिन का। सो अब हमारा सेशन लगातार चलेगा आज कल, और शेड्यूल मैं पहले ही कर दूंगा। अगर एक आध दिन कभी एब्सेंट होता हूं तो उसका शेड्यूल नहीं रहता, बाकी आगे का शेड्यूल कंटिन्यूटी में 10 दिन का एटलीस्ट शेड्यूल मैं एडवांस में आप लोगों के लिए करवा दूंगा। ओके सो आज क्या करने जा रहे हैं, चलिए सर गुड मॉर्निंग, बढ़िया था चलिए फाड़ दिया सर। ओके विशाल जी चलिए बहुत बढ़िया। सर आपका प्लस किस चीज़ का क्लास चल रहा है? प्लस किस चीज़ का? प्लस पर अभी दूसरा चल रहा है, अभी वहाँ पे नेटवर्क चल रहा है। ओके अयोध्या से राम जी, राम राम। फटाफट जुड़ेंगे सभी। चलिए आज क्या है, आज का टॉपिक डिस्कशन होने वाला है सर हमारा फेजर डायग्राम। आज का टॉपिक जो होने वाला है दैट इज फेजर डायग्राम। हम आज फेजर डायग्राम देखने वाले हैं। किसका सर? ट्रांसफार्मर का। ऋतिक आप बेस्ट है सर, ओके थैंक यू। चलिए, और आपकी मेहनत ही आपकी पहचान होती है ना, बाकी सब तो आपको गाइड ही करता है। सर फर्स्ट शिफ्ट नेटवर्क नो क्वेश्चंस, बिल्कुल मैंने सुना है कि फर्स्ट शिफ्ट में नेटवर्क का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। मिर्जापुर से मुकेश, सुमित गुड मॉर्निंग। चलिए सर फटाफट सेशन की करते हैं शुरुआत, आज क्या डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पे। जय हिंद जी, जय हिंद। सर आज क्या डिस्कशन करने वाला हूँ ये देखिए, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम मतलब क्या, अगर ये आपका ट्रांसफॉर्मर है और ट्रांसफॉर्मर में आपने VS सप्लाई दिया हुआ है, ऑफलाइन कब लेंगे सर विशाल? ऑफलाइन भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, एक कमेंट और आप लोग करेंगे, क्या आज भी UPPCL का एग्ज़ाम है? कुछ बच्चे बोल रहे थे 30 तारीख का, क्या आज भी UPPCL JE का एग्ज़ाम है? क्या आज भी UPPCL का सर? मैं डिप्लोमा 4 सेम का स्टूडेंट हूँ पंकज, मैं तो ओके वेलकम। क्या आज भी UPPCL JE का एग्ज़ाम है? कुछ बच्चे कह रहे थे सर 30 का भी UPPCL JE का एग्ज़ाम है, तो 28 वाला कार्ड तो मैंने देखा था, 29 का भी देखा, 30 का पता नहीं। फटाफट बोलेंगे। ट्रांसफॉर्मर के लिए लगभग 30 लेक्चर चलेंगे, 30 से ज़्यादा भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग डिप्लोमा का सर, ऑफलाइन क्लास कहाँ होता है? ऑफलाइन क्लास पटना में ही होगा, है ना, पटना में ही होगा। वेट एंड वॉच, आप लोग को जल्दी अनाउंस कर दिए जाएंगे। ओके चलिए जी। नौ, मैं अगर बात करूं यहाँ पे, सर आपको बिल्कुल अनाउंसमेंट प्लेस का बता दिया जाएगा ऑफलाइन क्लासेस का। अभी हमारा सीन स्टार्ट ही भी नहीं हुआ है, चीज़ें इनिशिएट कर रहे हैं ऑफलाइन वे में, बहुत जल्दी आप लोग को अनाउंस कर दिया जाएगा। ओके चलिए, 9 अनदर सेशन हमारा यहाँ होगा ट्रांसफार्मर में लोड। ध्यान से समझिए, किसी ट्रांसफार्मर में मैं बात करूँ सर, किसी ट्रांसफार्मर में अगर मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ तो यहाँ लोड लगाओगे। अब लोड लगाऊंगा तो सर ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर में अगर यहाँ लोड नहीं था तब भी ट्रांसफार्मर में कितना करंट लिया हुआ था सर, आई नॉट। नहीं करंट था, लोड था तब भी। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ लोड लगा दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे लोड लगाया, एकदम बारीकी से समझना है एक चीज, जैसे ही मैंने यहाँ पे लोड लगा दिया तब क्या हुआ, यहाँ भी करंट आने लगा I2 और यहाँ पे इधर से इस फ्लक्स को काउंटर करने के लिए एडिशनल करंट खींचने लगा I1 डैश। इसी दोनों का मिल के नाम है दैट इज I1। इसी को बोलते हैं I1, प्राइमरी साइड का करंट, प्राइमरी साइड का करंट। चलिए ना अब मैं बताऊं यहाँ पे सर, ये इसका कौन सा है सर, म्यूचुअल फ्लक्स। ये इसका क्या है सर, म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, और इस तरीके से फ्लक्स सर्कुलेट करता है। अब मैं यहाँ बात करूँ सर फेजर डायग्राम की, तो यहाँ पे देखिए सप्लाई गया और यहाँ पे लोड अगर मिला, म्यूचुअल फ्लक्स फाइम है, तो लोड का नेचर कैसा हो सकता है। जब सेकेंडरी साइड आप लोड लगाओगे, सेकेंडरी साइड आप अगर लोड लगाओगे तो लोड का नेचर हो सकता है सर इंडक्टिव हो। कैसा हो सर, इंडक्टिव नेचर का लगा सकते हो सर। आप और क्या यूज़ कर सकते हो सर, कैपेसिटिव नेचर का लोड लगा सकते हो, कैपेसिटिव नेचर का लोड लग सकता है और रेजिस्टिव नेचर का लोड रख सकता है सर। रेजिस्टिव मतलब यहाँ पे लोड इंडक्टिव नेचर का लग सकता है, रेजिस्टिव नेचर का लग सकता है और कैपेसिटिव नेचर का लग सकता है। तो जब ऐसा होता है तो अपने को फेजर डायग्राम में देखना है करंट कितना सेकेंडरी वोल्टेज से लीड करता है, लैग करता है, रिजल्टेंट फेजर क्या बनता है। नो लोड फेजर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, नो लोड फेजर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि नो लोड में कैसा बनता है। तो चलिए एक बार चर्चा हो जाए, एक बार चर्चा हो जाए इसकी। फुल लोड फेजर यहाँ मैं चर्चा भी कर दूंगा अभी इसका, वेट अ सेकेंड, मैं सारे चीज़ों का डिस्कशन कर दूंगा यहाँ पे ताकि क्लियरिटी से चीज़ों सीखोंगे। अब मैं बात नहीं करूंगा, पहले चीज़ों को पढ़ाता हूँ फिर क्वेरी कर लूँगा। ओके, सो फेजर डायग्राम एट नो लोड, हालांकि कराया हूँ फिर भी एट नो लोड का एक हिंट दे देता हूँ। एट नो लोड एंड फुल लोड दोनों आज देखना है, एट फुल लोड दोनों कंडीशन में आज अपने को देखना है। एक कंडीशन ये, एक कंडीशन नो लोड में हमने ऑलरेडी बताया था आपको। क्या सर, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग रहेगा, मैग्नेटाइजिंग आई म्यू। बस हाँ ना बोलते जाइए, ये ऑलरेडी कराया जा चुका है। और आई डब्ल्यू जो आप कहते हो ना सर, कोर लॉस कंपोनेंट आई डब्ल्यू, ये क्या है हमारा, सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है सर, सप्लाई वोल्टेज। आपने नो लोड कंडीशन में एक चीज़ तो तय है, एक चीज़ तो आपने देख लिया सर, यहाँ से ये एक चीज़ तो आपने देखा था कि नो लोड कंडीशन पे आपका फेजर बनता है आई नॉट। नो लोड कंडीशन में आपका क्या फेजर बनता है सर, आई नॉट, यानी रिजल्टेंट ऑफ दिस, रिजल्टेंट ऑफ दिस, इसका रिजल्टेंट बनता है आपका आई नॉट। क्या बनता है जी, आई नॉट। ये आपका क्या रहा, नो लोड करंट। क्या रहा सर, नो लोड करंट। ओके, और यही जो आपका फ्लक्स बनता है रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट नो लोड कंडीशन में, ये कब बना है, एट नो लोड। नो लोड का फेजर हमेशा रहेगा, देखिएगा एट नो लोड। अगर मैं बात करूँ एट नो लोड, तो नो लोड कंडीशन में इन दोनों के बीच फेज बना फाइ नॉट, इसी को फाइ नॉट नाम दे दिया जाता है, क्या, फाइ नॉट। और ये क्या है, द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट। नो लोड कंडीशन में जब आप नो लोड करोगे, यहाँ पे नो लोड कर दूं, तो नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर में आई नॉट सिर्फ करंट फ्लो होता है। क्या होता है सर, आई नॉट। तो आई नॉट जो है खुद दो कंपोनेंट में टूटता है, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट एंड आई डब्ल्यू। ये ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, फटाफट पुराना चीज़ को एक बार लेता हूँ और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आई म्यू आई डब्ल्यू, आई म्यू आई डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ मैं बात करूँ अगर कि नो लोड कंडीशन का, तो फाइनली चीज़ें क्या हो जाएंगी, आइए। ओके, अब लोड लगाऊंगा है ना, अब क्या करूंगा, सॉरी सर लेट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ये नो लोड कंडीशन है। नो लोड का फेजर हमेशा ऐसा ही रहेगा, नो लोड का फेजर हमेशा ऐसा ही रहेगा। जहाँ पे आपको फाइ नॉट के बारे में अच्छे से डिस्कस करा दिया, पावर फैक्टर पुअर होता है, इन सारे चीज़ों की डिस्कशन ऑलरेडी हो रखी है क्लास में, सारी चीज़ों की डिस्कशन ऑलरेडी हो रखी है क्लास में। दूसरी बात, दूसरी बात मैं करूं फेजर एट फुल लोड, क्या करना है सर? फेजर एट फुल लोड। सर फुल लोड की जैसे ही बात होगी, फुल लोड की जैसे ही बात होगी आप कहोगे प्राइमरी साइड का जो करंट होगा उसमें I0 के साथ जुड़ जाएगा कौन? I1 डैश। कौन जुड़ जाएगा सर? I1 डैश। I1 डैश क्यों जुड़ता है? क्योंकि सेकेंडरी साइड जब करंट खींचता है तो फ्लक्स का मेन फाइम का विरोध करता है और विरोध करने के टाइम फिर हमारा प्राइमरी साइड से करंट फाइवन डैश लेता है जो उत्पन्न होता है हमेशा I1 डैश से। किससे उत्पन्न होता है जी? I1 डैश से। ओके चलिए ना, अब मैं कहूँ कि करंट ये रहा, अब इसका फेजर ड्रॉ करना है तो इसका मतलब I2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, अब I2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, I1 डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है, I0 भी, और VS भी, यहाँ E2 भी, यहाँ E1 भी, N1 N2 ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आ जाएंगी। सो एट नो लोड की अगर चर्चा करूँ, एट नो लोड की अगर चर्चा करूँ, ट्रांसफायर एट फुल लोड की चर्चा करूँ तो देखिए क्या होगा। वेट एन सेकेंड, देखिएगा आइए सर, अगर मैं नो लोड की चर्चा करूं, आइए वेट अ सेकेंड, इसको छोटा कर देता हूं और यहां ले आता हूं, है ना, ओके, ताकि इसको करने में आसानी हो, इसको करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पे एक और लाइनिंग खींच लेता हूँ मैं यहाँ से और इसको भी फिल कर देता हूँ। देखिएगा सर ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन में, एट नो लोड कंडीशन की बात करूँ तो यहाँ क्या होगा? V1 था ही, I1 था, फुल लोड की बात कर रहा हूँ, सॉरी फुल लोड की, बार बार नो लोड वर्ड आ जा रहा है। सर ये देखिए नो लोड वाला करंट तो हमेशा रहेगा। देखिए फुल लोड कंडीशन की जब भी बात करूँ तो नो लोड वाला करंट तो हमेशा रहेगा, एडिशनल आपका I1 डैश आ रहा है जब लोड लग रहा है। सेकेंडरी साइड का I2 काउंटर किसके बराबर हो रहा है? I1 डैश के बराबर काउंटर हो रहा है। नौ अगर मैं यहाँ चर्चा कर लूँ, इसका चर्चा कर लूँ, सो अगर इसकी मैं चर्चा करूँ तो ऑब्वियसली पहले नो लोड करंट तो अपने को बनाना ही पड़ेगा आई म्यू एंड आई डब्ल्यू के कारण। ये इस फेजर में हमेशा रहेगा क्योंकि फुल लोड हो या नो लोड हो, ये इस फेजर में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये इस फेजर में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो आप कह सकते हो सर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इसका एग्जिस्टेंस I0 हमेशा रहेगा, I0 का एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। ना आपने बोला सर अगर फुल लोड आपने किया है, फुल लोड तो एग्जिस्टेंस में I2 भी आ गया, सर एग्जिस्टेंस में V2 भी आ गया, पहले नहीं हुआ करता था, ओके, एग्जिस्टेंस में I1 डैश भी आ गया, ये चीज़ें आ गया अब नई तरीके से, ये चीज़ें अब क्या हो गया आपको शामिल हो गए नए तरीके से। सो अगर मैं बोलूँ ये V1 है तो ये क्या है? E2 इंड्यूस्ड वोल्टेज जो सेकेंडरी साइड में है, और E2 के साइड मैं अगर बात करूं यहीं पे E1 भी होता है और V2 यहाँ पे होगा। ना अगर मैं बात करूं सर E1 इंड्यूस्ड वोल्टेज का, E1 बात करूं किसका? इंड्यूस्ड वोल्टेज का। तो अगर पहला कंडीशन ध्यान से समझिएगा, हमने बोला सर लोड क्या होगा? इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है और रेजिस्टिव हो सकता है, क्या ये तीनों हो सकते हैं? इंडक्टिव में भी, कैपेसिटिव में भी, रेजिस्टिव। आइए अब ने ये फुल लोड पे भी जब मैं फेजर बनाया, फुल लोड पे फेजर बनाया, इतना तक तो चला। अब ये है कि लोड का नेचर कहाँ है। अब सर करंट इस सेकेंडरी साइड के वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर का जो ये वोल्टेज है, ये इसके इस लोड पे करंट भेजने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल वोल्टेज E2। अब ये E2 इस लोड पर जो V2 बनवाएगा तो करंट ये लीड कितना लीड करेगा, I2 कितना लीड करेगा, कितना लैग करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लोड। किस पे डिपेंड करेगा सर, नेचर ऑफ लोड। अगर कोई कहते लोड इंडक्टिव है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज कि अगर आपको कह दे क्या पहला ए पॉइंट में इन केस ऑफ इंडक्टिव, मतलब इंडक्टिव मोटर आपने सेकेंडरी साइड लगाया, ट्रांसफार्मर के मोटर का मतलब क्या है जी, इंडक्टिव सर्किट। मोटर का मतलब क्या है, लेट्स एग्जांपल कि आपने सेकेंडरी साइड क्या लगाया, मोटर लगा दिया सर, सेकेंडरी साइड आपने क्या लगा दिया, मोटर लगा दिया। तो सेकेंडरी साइड आप जो है मोटर लगाओगे यानी लोड इंडक्टिव हो गया। तो इस दोनों में देखिए, यहाँ की बात करें तो सेकेंडरी साइड में जो बन रहा है ये हमारा सर E2 और यहाँ से करंट निकलेगा I2, इस लोड को जाएगा और यहाँ बनता है V2। अब बात करूँ मैं सर, यहाँ से बात करूँ तो इस लोड के लिए सोर्स क्या बना, ये सोर्स बना E2। तो इस सोर्स और इस करंट यानी आप इस E2 और इस I2, इस E2 और I2 के बीच कितना लीड लैग होगा, ये इसके लोड का नेचर डिपेंड करेगा। अगर लोड इंडक्टिव है, मैंने कहा लोड इंडक्टिव है सर, लोड अगर इंडक्टिव है तो करंट लैग जाएगा किससे, E2 से। करंट लैग जाएगा किससे सर, E2 से, यानी ये वोल्ट करंट इस वोल्टेज से लैग जाएगा तब हमारा V2 पे पहुँचे। यानी अगर मैं बात करूँ सर, यहाँ पे ये कह सकता हूँ I2 लैग बाय V2, सॉरी I2 लैग बाय V2 नहीं, क्योंकि सोर्स वोल्टेज सेकेंडरी साइड के लिए कौन बन गया है, E2। सोर्स वोल्टेज सेकेंडरी साइड के लिए कौन बन गया है, E2। सेकेंडरी साइड के लिए सोर्स वोल्टेज कौन बन गया है सर, E2। दैट्स वाई I2 जो है वो लैग बाय किससे, E2 से। इसका मतलब अगर लोड का नेचर इंडक्टिव है, लोड का नेचर इंडक्टिव है तो आपका एंगल देखिए, इससे लैग जाएगा, लैग इधर बनेगा, ये रहा आपका क्या सर, I2। तो सेकेंडरी साइड का जो लैगिंग होगा ये फेज एंगल, इसको मैं नाम देता हूँ φ2, ओके। क्योंकि सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज E2 है उसी से लैग करेगा I2। सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज E2 है ये वोल्टेज इसी से लैग करेगा I2। क्यों, क्योंकि इसके लिए, इस लोड के लिए सोर्स तो ये बन गया, इस लोड के लिए सोर्स ये बना हुआ है। सो कहीं भी आपने सर्किट में देखा ये वोल्टेज V है और ये आपका इंडक्टिव नेचर का सर्किट है, रेजिस्टिव है, तो यहाँ से जो करंट निकलेगा और ये जो वोल्टेज है, इन करंट और वोल्टेज में कितना लीड लैग होगा ये डिपेंड करता है, यहाँ पे इंडक्टिव नेचर कितना है ये डिपेंड करता है, तभी इस वोल्टेज और करंट के बीच लीड लैग होता है। वही मामला है कि यहाँ भी E2 सेकेंडरी साइड के वोल्टेज और करंट में कितना लीड लैग होगा ये इंडक्टिव नेचर डिपेंड करता है। अगर प्योर इंडक्टिव हो तो 90 से लीड लैग हो जाएगा, ओके। इंडक्टिव है तो 90 से लैग हो जाएगा, लीड की अभी बात ना करें, ओके। सो अगर प्योर इंडक्टिव होगा तो ये इन दोनों के बीच 90 से, लेकिन प्योर इंडक्टिव की बात नहीं कर रहा, इंडक्टिव की बात कर। इंडक्टिव में हो सकता है कि 0 और 90 के बीच एंगल कहीं भी वेरी कर सकता है। प्योर इंडक्टिव और जोड़ दे तो सीधे ही 90 से लैग कर जाएगा, सीधे ही ये E2 है तो ये I2 यहाँ बन जाएगा, लेकिन प्योर की चर्चा तो किया नहीं है, प्योर की चर्चा किया नहीं है। सो इंडक्टिव का मतलब है ये 0 से 90 के बीच कहीं भी अपन बना देंगे, एक रफ डाटा 0 से 90 के बीच कहीं बना देंगे, क्योंकि इंडक्टिव नेचर बोला है। इंडक्टिव नेचर अगर उसमें रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होगा, इंडक्टिव नेचर मतलब क्या है, उस इंडक्टर में रेजिस्टेंस भी इंक्लूड होगा, मे बी कैपेसिटर भी इंक्लूड हो, पर उसकी डोमिनेंसी ज़्यादा ना हो, इंडक्टर का डोमिनेंसी ज़्यादा होता है तभी वो इंडक्टिव सर्किट ही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर और इंडक्टर है तो कैपेसिटर इंडक्टर सर्किट कहलाता है, ऐसा तो होता नहीं है, उसमें मेजोरिटी जिसकी होती है वही सर्किट कहलाता है। क्लियर, आइए सर। सो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं सर, यहाँ पे बात करूं तो आप कहोगे कि ये सेकेंडरी साइड लैग करेगा, सेकेंडरी साइड लैग करेगा, क्यों, क्योंकि लोड का नेचर कैसा आपने बना दिया सर, इंडक्टिव। सो V2 से I2 लैग करेगा, कितना, एक एंगल लेता हूँ φ2 एंगल से, कितना से सर, φ2 एंगल से ये लैग कर रहा है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है, आइए यहाँ से सीखिए सर, यहाँ से सीखिए सर, जितना I2 बना उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ से क्या गया, I1 डैश गया या I0 गया या I1 गया। सर आपसे कोई पूछता है इस I2 के डेवलपमेंट के कारण प्राइमरी साइड से क्या गया, I1 नॉट गया या I1 डैश गया या फिर I1 गया, व्हाट गया, क्या गया सर, इसको काउंटर करने के लिए यानी I2 के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ था phi2, उसको काउंटर करने के लिए प्राइमरी साइड से गया था phi1 डैश, तभी इसमें म्यूचुअल फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रह गया था। इसका मतलब phi2 को काउंटर करने के लिए phi1 डैश गया, और phi1 डैश किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, इस सर्किट में एडिशनल करंट जो सोर्स से खींचा है दैट इज I1 डैश, दैट इज I1 डैश। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में बताया था phi2 फ्लक्स के काउंटर करने के लिए phi1 डैश भेजा, इसी के प्रोपोर्शनल हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो है काउंटर I2 किसके द्वारा काउंटर हो रहा है, phi1 I1 डाइस के द्वारा। किसके द्वारा काउंटर हो रहा है सर, I1 डाइस के द्वारा काउंटर हो रहा है, I1 डाइस के द्वारा काउंटर हो रहा है, और एकदम अपोजिट से काउंटर कर रहा है, एकदम ऑपोजिट 180 डिग्री से काउंटर कर रहा है। सो अगर इस फेजर को अभी आप ड्रॉप करोगे, इस फेजर को अभी आप ड्रॉप करोगे तो इससे इसको काउंटर, ये I2 इधर जा रहा है तो I1 क्या होगा, I1 डैश एकदम इसका उल्टा चल रहा होगा। I1 डैश क्या कर रहा होगा सर, एकदम इसका उल्टा चल रहा होगा, मतलब कि I1 डैश इसका एकदम उल्टा चल रहा होगा। दिस इज I1 डैश, दिस इज I1 डैश, किसका, I2 का उल्टा I1 डैश। सर I2 का उल्टा I1 डैश, I2 का उल्टा I1 डैश, क्यों, क्योंकि उधर से phi2 I2 के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ phi2, और इधर से phi1 डैश किसके द्वारा उत्पन्न हुआ I1 डैश के द्वारा, दोनों आपस में वेनिस हो गया और मशीन के रिजल्टेंट कोर में क्या बना रहा, phi m कांस्टेंट बना रहा, phi m कांस्टेंट बना रहा। ओके सो ये बड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, चूंकि हर चीज़ देखना पड़ेगा। ये हमारा क्या है I1 डैश, क्लियर, ये है I1 डैश और ये I2। अब मशीन के अंदर ट्रांसफार्मर है एक, करंट बन गए ढेर, मशीन में ट्रांसफार्मर है एक, करंट दिख रहा है I2 phi1 डैश I0 I μ IW। सर एक ट्रांसफार्मर में इतने अलग अलग टाइप के करंट, सर इसके कंपोनेंट को तोड़ रखा है, जैसे एक घर में अलग अलग आदमी होते हैं, सो ओवरऑल घर डेवलप करता है। तो बात यही है, एक ट्रांसफार्मर में अलग अलग करंट है, उन का अलग अलग करंट का अलग अलग काम है, लेकिन उनमें एक रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट करंट क्या है, जो सप्लाई दिया गया हो, ओके और सेकेंडरी साइड से जो लिया गया हो। तो अगर मैं बात करूं तो IW है, I1 डाइस है, I0 है, I μ है, I2 है, तो सेकेंडरी साइड में तो कोई नहीं, एक ही करंट है गया। सेकेंडरी साइड में कौन सा करंट गया सर, सेकेंडरी साइड में एक करंट गया I2 और दूसरा V2, तो मामला खत्म। इधर प्राइमरी साइड में बहुत सारा करंट दिख रहा है सर, I1 डाइस भी है, I0 भी है, I1 ही है, कौन होगा, तो मेजर कौन है सर, I1 मेजर कौन है, I1, सबको मिला के क्या है I1, सबको मिला के I1, यहाँ तो I0 है और ये है, सबको मिला के जो मेजर है, इस VS के कारण मेन करंट कौन जा रहा है सर, I1। वो बात अलग है, I1 के साथ कई चीज़ जुड़े हुए हैं, I0 नो लोड करंट हमेशा खाता ही है इसमें, I1 डैश इसको काउंटर करने के लिए ये मेजर हो गया। आइए आइए मैं यहाँ पे चर्चा कर लूँ। अब अगर बात करूँ तो इस सर्किट में I1 और I1 डैश, I1 और I1 डैश, ये देखिए ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड करंट, प्राइमरी साइड करंट क्या है, प्राइमरी साइड का करंट कौन है, साइड करंट, मतलब ट्रांसफार्मर का रिजल्टेंट तो यही है, ये I1। I1 किसका किसका कॉम्बिनेशन है जी, I0 का और I1 डैश का, मतलब अब I1 भी I2 है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा। देखिए पहले IW Iμ से बन गया I0, ये एक रिजल्टेंट उनका था नौ, अब आपका ट्रांसफार्मर I0 भी है I1 डैश है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा सर, इसका ही रिजल्टेंट है I1, इसका रिजल्टेंट है I1, तो इसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे सर, इसका रिजल्टेंट अपन कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे, ऐसे सर, इसके पैरेलल में, इस I0 के पैरेलल में यहाँ से आगे बढ़िए, तो ये इसका ऐसा है स्ट्रेट लाइन, तो इसके पैरेलल में आगे की ओर बढ़िए, इसके पैरेलल में थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये देखिए इसके पैरेलल में आगे की ओर बढ़िए, ओके यहाँ तक बढ़ गए। अब इसके चोटी से इसके पैरेलल में आगे की ओर बढ़िए, I1 डैश की ओर, तो यहाँ से भी आप आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे दोनों मीट किया, जिस पॉइंट पे मीट किया उस वही होगा इन I1 I2 का रिजल्टेंट, कौन है सर I1, कौन है सर I1, तो इसको रिजल्टेंट बना दीजिए इसका, दिस इज I1, और मोटा कर देता हूँ इसको, दिस इज I1, थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, आइए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसको फिल कर देंगे, दिस इज I1, ये क्या है सर I1। कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ और यही है आपका I1 प्राइमरी सेट का, यही है आपका I1 प्राइमरी सेट का रिजल्टेंट करंट। प्राइमरी सेट का रिजल्टेंट करंट, ओके। तो प्राइमरी सेट का रिजल्टेंट करंट तो सर आप कहोगे कि ये I1 हो गया, ठीक है। प्राइमरी सेट का सर रिजल्टेंट वोल्टेज आप कहोगे सर V1 हो गया। तो प्राइमरी साइड में रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच एंगल को ही बोलेंगे प्राइमरी साइड का फेज एंगल। प्राइमरी साइड का रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच के एंगल को ही बोलेंगे फेज एंगल। तो प्राइमरी साइड का रिजल्टेंट करंट है सर I1, टोटल रिजल्टेंट इन सबको जोड़ जार के बना यही। और प्राइमरी साइड का रिजल्टेंट वोल्टेज है आप कहते हो VS या कह सकते हो आप V1, VS बोलो या V1 बोलो। सो इन दोनों के बीच जो भी फेज एंगल होगा वही प्राइमरी साइड का फेज एंगल होगा। सो रिजल्टेंट वोल्टेज एंड रिजल्टेंट करंट, यही रहा रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट। रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच जो भी एंगल बना दिस इज प्राइमरी साइड फेज एंगल, दिस इज प्राइमरी साइड फेज एंगल फाई1। और सेकेंडरी साइड का ऑलरेडी आपने देखा फाई2। तो प्राइमरी साइड का फेज एंगल और सेकेंडरी साइड का फेज एंगल में थोड़ा अंतर मिल जाता है अगर प्राइमरी साइड के नो लॉस करंट कंपोनेंट को आप फेजर में दिखाओगे। अगर वो ना दिखाओ तो हमेशा ये बराबर हो जाते हैं, जितना ये इतना ये फेजर आपस में हमेशा बराबर। लेकिन नो लोड करंट कंपोनेंट को अगर दिखाओगे जो कि एक एडिशनल प्राइमरी साइड से लॉस चला जाता है, तो आपका प्राइमरी साइड का फेजर ये कभी फाई2 कभी फाई1 के बराबर नहीं होता है, फाई2 कभी फाई1 के बराबर नहीं होता है, ओके। तो क्यों, कौन लीड किया है? आपको दिखेगा सर, क्या दिखेगा सर, फाई1 जो है ना वो बड़ा है किससे, फाई2 से। मतलब प्राइमरी साइड का फेज एंगल ज़्यादा होता है किससे, सेकेंडरी साइड के फेज एंगल से। सर प्राइमरी साइड का फेज एंगल ज़्यादा होता है किससे, सेकेंडरी साइड के फेज एंगल से। यही तो आपका फेजर डायग्राम कहता है। इसीलिए बताए पूछा, एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में अगर लोड इंडक्टिव हो, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, ट्रांसफार्मर में अगर लोड इंडक्टिव हो तो ये बताइए, ट्रांसफार्मर अगर लोड इंडक्टिव हो तो ये बताइए प्राइमरी साइड का फेज एंगल ज़्यादा या सेकेंडरी साइड का। सर प्राइमरी साइड का, ये देखिए ये यहाँ है तो ये इतने फ्लक्स होना चाहिए, इतना ज़्यादा फाई है, इसका मतलब प्राइमरी साइड का फेज एंगल क्या होता है सर, ज़्यादा होता है। सर जी क्या चीज़ का कोचिंग कराते हैं मिथिलेश कुमार SSC, मिथिलेश कुमार SSC, ये तो SSC JE स्टेट JE का है ना मिथिलेश। चलिए नाउ आई होप क्लियर होगा। सो आपसे पूछेगा किसका फेजर एंगल ज़्यादा होता है, सर प्राइमरी साइड का फेजर एंगल ज़्यादा होता है। सर प्राइमरी साइड का फेजर एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपसे पूछेगा सर प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर ज़्यादा या कम, तो कॉस के साथ अगर एंगल छोटा लगे तो वैल्यू बड़ा होता है, लेकिन कॉस के साथ एंगल बड़ा लगे तो एंगल टोटल वैल्यू छोटा होता है, ये आपको पता है। इसका मतलब अगर इसको कॉस फाई1 लगा दूँ और इधर कॉस फाई2 लगा दूँ तो दोनों में कौन बड़ा छोटा, दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा हो जाएगा। कॉस छोटा एंगल को लगाओ तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा और इसका मैग्नीट्यूड कम। सो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ध्यान से समझिए सर, आपसे एग्जाम में ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सर ये बताइए प्राइमरी साइड अगर इंडक्टिव लोड सर्किट में तो प्राइमरी साइड का फेज एंगल ज़्यादा होता है या सेकेंडरी साइड का, तो प्राइमरी साइड का। पूछेगा अगर इंडक्टिव लोड हो तो बताइए प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर ज़्यादा होता है या कम सेकेंडरी साइड का, तो आप कहेंगे सर सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर होता है ज़्यादा, सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर होता है ज़्यादा, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर होता है कम। ये ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट को कंसीडर किया हुआ है, नो लोड करंट को कंसीडर किया हुआ है। मतलब जितना दे रहे हो रास्ता में थोड़ा सा कंजम्पशन हो जा रहा है तब सेकेंडरी को मिल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सेकेंडरी का पावर फैक्टर ग्रेटर होगा सर, बिल्कुल बिल्कुल सेकेंडरी का पावर फैक्टर बड़ा होगा देखो, और ये छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल छोटा है, यहाँ पे ये एंगल छोटा है और ये बड़ा है, ओके, इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब कमेंट ले लेता हूँ एक बार। सर आज यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है, ओके। सरिता सिंह, बिल्कुल आज बहुतों का, मुझे कोई बच्चा कल बोल रहा था प्लस पे कि जो हाँ सर कुछ बच्चों का 30 को भी एग्ज़ाम है, लेकिन कोई नहीं, तो 3 दिन का गैप हो गया था, आएगा तो बच्चा ये क्लास देख लेगा, ओके। और बाकी जो भी है हमारे कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आप कह सकते हो कि सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, तो सेमेस्टर के लिए हमने अलग ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल कर रखा है इंजीनियर्स ग्रुप, वहाँ पे सेमेस्टर की तैयारी होती है। तो वहाँ भी कई बच्चे बोल रहे थे कि सर अपन इस बार अपियरिंग में ट्राई कर रहे हैं यूपीपीसीएल जेई देने का, तो 30 को तभी मुझे पता चला कि हाँ 30 का भी पेपर है। ओके सो कोई बात नहीं, 30 का है तो वो आके बाद में देख लेगा, आज यहाँ पे करते हैं। चलिए चलिए सर, आई होप मामला यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे मामला आपका क्लियर है कि जब I2, V2, I1 डैश एग्जिस्ट करने लगा लोडेड कंडीशन में, तो आपका फेजर ट्रांसफार्मर का ऐसा बनेगा, आपका ट्रांसफार्मर का फेजर ऐसा बनेगा। मतलब कि अगर सर्किट ट्रांसफार्मर के सर्किट में, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर हमारा ट्रांसफार्मर है और इस पर आपने वाइंडिंग भी करा रखा है, ये देखिए जी वाइंडिंग भी करा रखा है। अगर यहाँ पे आपने कैसा लोड दिया सर, इंडक्टिव लोड दिया, लोड का नेचर कैसा, प्योर इंडक्टिव नहीं, आप ये समझ लो ये प्योर इंडक्टिव आपको दिख रहा है, ये आरएल नेचर का आपने लोड दिया है, यानी इंडक्टिव नेचर का लोड दिया है, तो सेकेंडरी साइड का करेंट और ये वोल्टेज। ओके आइए सर, और यहाँ E1 यहाँ E2 हो गया, प्राइमरी साइड का करंट I1, प्राइमरी साइड का V1, यहाँ म्यूचुअल फ्लक्स फाई। तो इसका फेजर जो होगा हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ओके चलिए ओके। और जिनका भी आज एग्जाम है यूपीपीसीएल का, उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से, जिनका भी है, और बाकी एनालिसिस कर लेंगे जो बच्चा भी पेपर दे के आया। चलिए सर, चलिए फटाफट मैं बात करता हूँ। यहाँ पे क्लियर है, अब बताइए क्लियर है क्या सर, यहाँ पे बताएं अब क्लियर है क्या। यहाँ पे बताएं क्या अब क्लियर है। सर लाइव टेस्ट भी होना चाहिए ऋतिक कुमार, बिल्कुल हम सारा प्रोसेस करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे हर एक चीज़ का, जिससे आपको बेहतरी मिले। ओके यस सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। समय बिना बिताए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल देवेंद्र कुमार बोल रहा है बिल्कुल क्लियर है सर, लैंग्वेज में क्या लिखोगे, सर लैंग्वेज में जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये तो फेज एंगल तो है ही, लैंग्वेज में ये लिखना है कि अगर ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव लोड हो, फुल लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर अगर इंडक्टिव लोड हो तो फेज एंगल प्राइमरी साइड का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी साइड का कम। लेकिन ट्रांसफार्मर पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, अगर ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव लोड है, तो बताइए पावर फैक्टर प्राइमरी का ज़्यादा होता है या सेकेंडरी का। सर पावर फैक्टर किसका ज़्यादा होता है सर, सेकेंडरी का ज़्यादा होता है, प्राइमरी का कम होता है, मतलब बहुत बढ़िया पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड होगा, प्राइमरी साइड और पुअर हो जाता है। प्राइमरी साइड क्या हो जाता है सर, और पुअर। आपसे बोलेगा कि क्या ऐसा ट्रांसफार्मर में कर दिया जाए कि प्राइमरी साइड का फेज एंगल सेकेंडरी साइड का हमेशा बराबर हो जाए। आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या ऐसा कर दिया जाए कि प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का फेज एंगल बराबर हो जाएगा, पावर फैक्टर बराबर हो जाएगा। तो आप कहिएगा सर नो लोड करंट को नेगलेक्ट कर दो, नेगलेक्ट कर दिया जाए तो प्राइमरी साइड का फेज एंगल सेकेंडरी साइड का फेज एंगल हमेशा बराबर होगा। तो ये सब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। या लिख दूं या फिर क्लियर है, बताएं फटाफट, ये लिख दूं या क्लियर है। ओके तो मैं इसकी चर्चा करूं, बताएं आप सभी, क्या इसको मैं लिख दूं क्या। इसको अगर लिख देता हूं तो ये होगा कि आपके एक नोट डाउन में रहेंगे, अदरवाइज आप लोग नोट करके मेंशन कर लेंगे। ये तीनों बात एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस क्लियर रहे। ओके एग्जाम में आपको प्लीज सर लिख दीजिए। ओके नो मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं बात करूँ आपकी, पहला पॉइंट इन केस ऑफ, फटाफट लिख देता हूँ, इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड आपसे एग्जाम में पूछता है, इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड प्राइमरी साइड फेज एंगल phi1 is more than secondary side phase secondary side phase angle यानी phi1 ग्रेटर देन phi2 होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब प्राइमरी ज़्यादा होता है सेकेंडरी से। ओके, इंडक्टिव, देखो इंडक्टिव मतलब कम्बिनेशन ऑफ RL हो सकता है, RLC हो सकता है। प्योर इंडक्टिव मतलब सिर्फ इंडक्टर होगा। ओके, अगर कभी इंडक्टिव लोड आपको बोले, इंडक्टिव लोड मतलब आर लोड, आर का कम्बिनेशन हो सकता है, RLC भी हो सकता है। लेकिन प्योर इंडक्टिव बोले तब इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता है। क्या होता है सर? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर होता है। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना जी। चलिए नाउ मैं बात करूं नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड। चलिए नाउ दूसरा पॉइंट, इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड। पहला पॉइंट यहां लिख देता हूं तो ज्यादा बढ़िया है, पहला पॉइंट वहां पे। दूसरा पॉइंट, पावर फैक्टर ऑफ सेकेंडरी साइड इज मोर देन प्राइमरी साइड मतलब cos phi1 और cos phi2 की चर्चा करें तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा जी, ये ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्रेटर है तो यहाँ पे ये ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट सर, यदि सिर्फ LC सर्किट हो, LC सर्किट मतलब हो जाता है हमारा दैट इज ट्यून्ड। आप LC को कह सकते हो, ऑसिलेटरी सर्किट में काउंट होने लगते हैं, वो मीनिंग अलग हो जाता है। सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होने लगेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा? टैंक सर्किट कह सकते हो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। कभी ऐसा होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर खाली लगाएंगे, उससे क्या मामला होगा? और सर्किट के अंदर रेजिस्टिव नेचर तो होगा ही होगा। ओके नाउ थर्ड वन पॉइंट, बोथ साइड फेज एंगल will be same if and only if यानी कह रहा बोथ साइड का फेज एंगल सेम हो जाएगा। ये तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ नो लोड करेंट इज नेग्लेक्टेड। अगर आपने नो लोड करंट को नेग्लेक्ट कर दिया तो प्राइमरी साइड का जो होगा वही हो जाएगा आपका सेकेंडरी साइड का फेज एंगल। ये देखिए, यहाँ से सीखिए। अगर ये नहीं होता तो क्या रिजल्टेंट पे आते? यहाँ से I2 किसको काउंटर करता? सीधे I1 का। जो फेज एंगल यहाँ बनता वही फेज एंगल यहाँ बनता। फिर I0 नहीं होता तो ये रिजल्टेंट नीचे खिसकता ही नहीं। ओके, I0 अगर नेग्लेजेबल कर देता तो इस सर्किट में I2 इधर आया, काउंटर करने वाला सीधे क्या होता? I1 होता। तो मतलब I0 को आप क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन प्रैक्टिकली तो नेग्लेक्ट होता नहीं, इसीलिए अपन एक-एक डाटा को यहाँ पे शो कर देते हैं, क्लियर है? चलिए सर, सो दीज आर द पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है फटाफट बी, if load is capacitive। सर अगर लोड कैसा हो नेचर का? सर कैपेसिटिव नेचर का हो। अगर लोड का नेचर कैसा हो? कैपेसिटिव हो। 2 मिनट के लिए इसको भी समझ लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर है और इस पे आपने जो लोड दिया है, वो कैसा नेचर का है जी? कैपेसिटिव नेचर का है सर। ऑब्वियसली करंट जाएगा और ये E2 है, ये E1 है, ये आपका I1 है, ये V1 है। I1 भी कॉम्बिनेशन है किसका किसका सर? I0 का, I1 डाइस का। फाई इसमें फाई एम कॉमन जाएगा ही जाएगा। ओके, जब ये चीज़ें होने लगे, ओके सर एक कंफ्यूजन है, पूछो, हाँ पूछो पीहू गुप्ता जी, पूछिए पूछो ना। जब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तब तक ड्रॉ भी करता हूँ। दूसरा आइए, चलिए अब फिर से फेजर बनाना शुरू कर देते हैं। जब तक एक क्वेश्चन ले लें, क्या है आई डब्ल्यू एंड आई म्यू? क्यों बोला तो था, ये आपने क्लास मिस कर रखा है। ये सब क्लास आज है क्या? ये लो ऋतिक बोल रहा है कि इसके जानने के लिए लेक्चर 5 और 6 अगर यूट्यूब पे आप जाते हो लेक्चर नंबर 5 और 6 पे तो ये मिल जाएगा। ये बेसिक्स है, इनको हमने ऑलरेडी करा रखा है। आई डब्ल्यू वर्टिकल एक्सिस एंड आई म्यू इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्यों लेते हैं? ये बिल्कुल करा रखा है क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कौन उत्पन्न करता है? मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स उत्पन्न करता है मैग्नेटाइजिंग करंट। और जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है वो कैसा है? आई स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टिव लोड में होता है तो वोल्टेज के इन फेज में होता है। ये सारा क्वेश्चन हमने करा रखा है, आप शुरू से देखिए। वर्किंग बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग वगैरह देखिए, सारा मैंने करा रखा है। ओके ना, अब मैं बोलूँ सेकेंडरी साइड, ये इस लोड के लिए यही मेन सोर्स बन गया, इस लोड के लिए यही मेन सोर्स बन गया और करंट सर्कुलेट कराएगा I2। तो मैं बात करूँ अगर यहाँ पे तो V1 आपका यहाँ रहा सर, आई म्यू मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ रहा, तो उससे सबका लीडिंग लैगिंग हमने ऑलरेडी क्लास, आप शुरू से अटेंड करिए क्लास, एक एक चीज़ बताया गया है। और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है सर? सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, ओके, जो हमारा काउंटर करता है ना। ये इससे 90 का लीड लैग पे है, ये हमेशा रहेगा। ये इससे 90 लीड कर रहा है, ओके, ये हमेशा रहेगा। ओके, अब बात करूँ सर पहले मैग्नेटाइज, नो लोड करंट तो हमेशा ड्रॉ कर दो, नो लोड फेजर हमेशा ड्रॉ कर दो क्योंकि वो फुल लोड है या नो लोड, कोई भी लोड हो वो तो खाएगा ही खाएगा। चलिए वो कितना क्या खा रहा है उसकी चर्चा करें तो आपको उसमें भी ये भी तय करना होता है। देखिए आई डब्ल्यू का ग्राफ, मैग्नेटाइजिंग करंट का ग्राफ हमेशा बड़ा बनाता हूँ, क्यों? इसके भी बारे में बताया हूँ हमेशा। और इसका हाइट हमेशा छोटा रखता हूँ, क्यों? ये भी बताया हुआ हूँ। ओके नाउ इसका रिजल्टेंट नो लोड करेंट वाला रिजल्टेंट तो यहाँ रहेगा ही, I0 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ओके, I0 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। नो, ये तो आंख बंद करके फेजर बनाना है। अब क्या कह रहा है? ये लोड कैपेसिटिव है, इसका मतलब E2 एंड I2 के बीच क्या होगा सर? लीड करेगा। लीड में वर्ड आपको कभी भी लीड आता है, मतलब करंट लीड करेगा। करंट क्या करेगा जी? लीड करेगा। इसका मतलब लीडिंग इसका फेजर का हुआ सर। BSPSCL की वैकेंसी कब तक आएगा? आ जाएगा, पर तैयारी कब तक अपना होगा पहले ये बताइए। अपनी तैयारी कब तक होगी? जिस दिन अपनी तैयारी बहुत बेस्ट होगी, BSPSCL छोड़ो कोई भी निकलेगा, अपन उस सीट के हकदार होंगे। ओके, सो अपनी तैयारी सबसे पहले, फिर वैकेंसी की बात अपन कर लेंगे। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम लगिए, पूरे डेडिकेशन के साथ लगिए, तभी आपको मामला फिनिट होगा। समझिए चीज़ों को। और आप बीच में एंट्री करते हो तो दिक्कत है, आप कभी बीच में एंट्री करते हो तो इससे पहले 1 से 2 दिन में बैकअप तैयार करिए, पूरा खत्म करिए वहाँ तक, तभी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होगी। पहली बार मैं यूट्यूब में एक एक चीज़ को एलिब्रेट करके बताता हूँ, पूरे मशीन का मैंने जैसे नेटवर्क कराया था, सिमिलरली ये चीज़ चल रहा है। ट्रांसफार्मर का एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारा क्या है, आई नॉट। अब मैं कह रहा हूँ कि I2 लीड करेगा, लीड कहाँ करता है, इधर। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो लीड और क्लॉकवाइज चलेंगे तो लैग। इसका मतलब मैं बात करूँ, ये मान लिया कि चलिए सर ठीक है आप बोल रहे हो, तो मैं कहता हूँ ये इतना से क्या कर रहा है, 5-2 फेज एंगल से क्या कर रहा है सर, लीड कर रहा है। 5-2 फेज एंगल से सेकेंडरी साइड से लीड कर रहा है। ओके, लीड कर रहा है कौन, करंट। लीड वर्ड कभी करंट के लिए नहीं यूज होता, हमेशा वोल्टेज के लिए, इसीलिए लीड बोल दिया, मतलब करंट ही लीड कर रहा होगा। अब इसके काउंटर, सेकेंडरी साइड का कौन काउंटर करता है सर, इसके करंट से उत्पन्न फ्लक्स जो फाइव 2 होता है उसको काउंटर, फिर यहीं से काउंटर होता है, दैट इज 5-1 डाइस। और 5-1 डाइस को उत्पन्न करने वाला कौन है, I1 डाइस, जो एडिशनल सोर्स से करंट खींच लेता है। ट्रांसफार्मर की एक अपने आप की खासियत होती है, फुल लोड करंट हो तो सब सोर्स से पूरा करंट खींचता है, और नो लोड हो जाए तो सोर्स से करंट खींचना सिर्फ 3 से 5% खींचता है, बाकी ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई बंदा गया उसको बोलेगा आप 3% खाओ, नहीं, ये अपने आप ट्रांसफार्मर के कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है। लोड कंज्यूम करेगा तो इधर से करंट खींचेगा, लोड बिल्कुल नहीं रहेगा तो करंट 3 से 5% खींचेगा, जो कि हमेशा खाता है उतना, उसी को बोलते हैं नो लोड करंट। ओके, वो लॉस में चला जाता है। अब बात रही सर किसकी, I2 का काउंटर कौन कर रहा है सर, I1 डाइस। I2 का काउंटर कौन कर रहा है सर, I1 डाइस। तो I1 डाइस इसी के अपोजिट होगा, काउंटर कर रहा है मतलब एकदम अपोजिट होगा। ये लो I1 डाइस, ये क्या है सर जी, I1 डाइस। चलिए I1 डाइस काउंटर करने लगा, I1 डाइस। अब देखिए क्या ये हमारा रिजल्टेंट करंट है, बिल्कुल नहीं सर। क्या ये रिजल्टेंट करंट है सर, बिल्कुल नहीं। क्या ये रिजल्टेंट करंट है, बिल्कुल नहीं। क्या ये रिजल्टेंट मशीन का करंट है, रिजल्टेंट नहीं सर। रिजल्टेंट तो आपका कौन है, I1 सर, रिजल्टेंट तो इसका I1 है, टोटल जो करंट दे रहा वही। तो रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच जो एंगल बनेगा तभी फेज एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अभी कहीं फेज एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो बैक में चलते हैं, बैक में कहाँ पे, बैक में इससे 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 एकदम एकदम बैक में चलते हैं। फिर सबका मैं कर देता हूँ रिजल्टेंट। तो अब क्या होगा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट I1 निकालना है तो I0 और I1 डैश का रिजल्टेंट होना चाहिए। तो ये एक यहाँ है बेचारा, एक यहाँ है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा सर, इसको इसके पैरेलल, यहाँ पे इसके टॉप से इसके पैरेलल में एक्सिस डालिए, इसके टॉप से इसके पैरेलल में डालिए, रिजल्टेंट जहाँ बनेगा वही आपका I1 हो जाएगा। ओके बिल्कुल। सो इसके पैरेलल में खींचूँ, ओके, अब इसके पैरेलल में इसको डालूँ, ये पॉइंट मिट कर गया, ये पॉइंट मिट किया, यही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट I1। यही क्या होगा सर, रिजल्टेंट I1, यही होगा आपका रिजल्टेंट I1। ओके, यही होगा हमारा क्या, रिजल्टेंट I1। चलिए यही होगा हमारा रिजल्टेंट I1। इस बार मामला क्या हुआ सर, कैपेसिटिव लोड हुआ, तो रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज, ये रिजल्टेंट V1 है, ये V1 है, तो रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच के एंगल को बोलते हैं φ1। तो ये रहा फेज एंगल φ1, क्या रहा सर, ये रहा फेज एंगल φ1, ये रहा फेज एंगल φ1। और सेकेंडरी साइड रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के बीच के एंगल को, वहाँ का सेकेंडरी साइड का फेज एंगल बोलेंगे φ2। इस बार ये दिख रहा है सर, φ1 से बड़ा φ2 है, जब कैपेसिटिव लोड है तो φ1 से बड़ा क्या है, φ2 है, φ1 से बड़ा कौन है, φ2। तो यहाँ पे क्या निकल गया सर, φ2 इस बार बड़ा हो गया किससे, φ1 में, जबकि इंडक्टिव लोड में क्या था, φ1 ग्रेटर देन φ2। इंडक्टिव लोड में क्या था, φ1 ग्रेटर देन φ2। अब इसी को अगर cos के साथ लगाओ तो cos φ2 और cos φ1, तो जो छोटा एंगल cos उसका बेहतर होता है। तो पावर फैक्टर कहाँ का बेहतर हो जाएगा जी, पावर फैक्टर इस बार कहाँ का बेहतर हुआ, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर इंप्रूव कर गया और सेकेंडरी साइड का पुअर हो गया। प्राइमरी साइड का इस बार इंप्रूव कर गया और सेकेंडरी साइड का पुअर हो गया। ये बता रहा है इस बार किस कैपेसिटिव लोड का फेजर, कैपेसिटिव लोड का फेजर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलिए क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताएंगे और कोशिश करेंगे सर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा लाइव रहेंगे। आगे से मैं वीडियो प्राइवेट करवा दूंगा, ये ध्यान रखना, मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा। आना है बिल्कुल लाइव में आइए, इतनी मेहनत एनर्जी लगाता हूँ फिर भी संख्या बल अगर कम रहेगा तो बड़ा दिक्कत होता है सर, मोटिवेशन नहीं मिलता। पूरे एनर्जी से मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता नहीं कि मेरी कितनी ज़ोर से मैं बोलता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते इतनी एनर्जी के साथ आ जाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इधर, हाँ वो बात अलग है ठीक है। हाँ अभी जो है आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं यूपीपीसीएल के, तो ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश करिए और ज़्यादा संख्या में जोड़िए सर, जितना जोड़िएगा उतना मज़ा आता है पढ़ाने में। चलिए सर, हम पीछे वाला ट्रांसफॉर्मर का वीडियो 6 लेक्चर देख लिए हैं। सर्किट सागर पढ़ रहा हूँ मैं, अभी थर्ड सेमेस्टर में आपका स्टूडेंट हूँ सर, मेजरमेंट पढ़ता हूँ। ओके सत्यजीत राय, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारा प्लेटफॉर्म देख रख के उधर 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 ढूंढ के पढ़ लेते हो। हाँ मास्टर का खटिया खड़ा करने वाले हो। हाँ चलिए चलिए, तो आई होप क्लियर होगा है ना, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। अब इसका लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ऑलरेडी तो एक बार लिख ही दिया हूँ, कितना लैंग्वेज लिखोगे है ना। यही मामला में सर इसके इस बार क्या हो गया, जब अगर कैपेसिटिव लोड हो गया, कैपेसिटिव लोड में प्राइमरी साइड का फेज एंगल कम हो जाता है, सेकेंडरी साइड का बढ़ जाता है, इसके कारण प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर इंप्रूव करता है और सेकेंडरी साइड का पुअर हो जाता है। सो यही है। फिर भी पूछे सर बच्चे आ जाया करिए, बिल्कुल बिल्कुल 10 बजे आ जाएंगे बिल्कुल पीओ गुप्ता। और एक चीज़ और दूसरी बात कि सर ये भी दोनों फेज एंगल बराबर हो जाएगा अगर नो लोड करंट को नेगलेक्ट कर दिया जाए। यहाँ भी एक वर्ड आता है, नोट डाउन करेंगे, अगर नो लोड करंट को नेगलेक्ट किया जाए तो प्राइमरी साइड का फेज एंगल और सेकेंडरी साइड का हमेशा बराबर होगा, प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर हमेशा बराबर होगा। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव बॉक्स कौन सा ले, ऑब्जेक्टिव ओके बिल्कुल सर, ऑब्जेक्टिव बुक कौन सा लेना है सर। ऑब्जेक्टिव बुक के लिए आप लोग ना वीके मेहता की उठाइए या फिर राजपूत का बुक उठाइए। अगर आपने उन सब की तैयारी कर ली अच्छे से तो एक यूथ पब्लिकेशन में कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस भी बहुत सारा है, हिंदी इंग्लिश में बहुत बच्चा कन्फ्यूज रहता है तो वो भी ले सकते हो। अदरवाइज बहुत जल्दी बुक्स मैं कर रहा हूँ काम, और आई होप आ जाए तो बेहतर है, अदरवाइज ले सकते हो। अगर जेवी गुप्ता है तो उससे भी करिए, पर जेवी गुप्ता टाइम वेस्टेज है, जेईई में बहुत सारा गेट के क्वेश्चन डाल रखे हैं तो आपको टाइम का वेस्ट करा देगा, नो डाउट। बहुत लंबा समय आपके पास, आपको लगता है कि समय बहुत है तब जेबी गुप्ता भी प्रीफर कर सकते हैं। चलिए चलिए सर, मैं बात करूं इस सर्किट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ये सारा बात तो हो गया, मेरी सारी राम कहानी तो हो गई। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ किसका सर, अगर लोड हमारा रेजिस्टिव हो जाए, मतलब कि इस ट्रांसफार्मर पर, ये जो ट्रांसफार्मर है अभी आज तो इसका कोई काम था नहीं है ना, तो इस ट्रांसफार्मर में क्या करूँ सर, लोड रेजिस्टिव लगा दूँ, मैंने बल्ब खाली लगाऊँ, सेकेंडरी साइड क्या लगाऊँ, बल्ब लगा दूँ। जैसे पहले 100 वाट वाला बल्ब आता था ना, वो खाली लगा दूँ तो क्या असर पड़ेगा, आइए सर उसकी भी चर्चा कर लेते। सी पॉइंट में कहूँ if load is, अब लोड रेजिस्टिव मतलब रेजिस्टिव ही होगा, इसमें कैपेसिटर इंडक्टर कंबाइंड नहीं होंगे, इसमें तो रेजिस्टिव ही रह जाएगा, इसमें तो क्या रह जाएगा, रेजिस्टिव ही रह जाएगा। अब मामला है पहले इसको कंप्लीट करने का। आइए, ये ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड के वाइंडिंग्स यहाँ V1 होगा, यहाँ E1 होगा, सर कोई भी बच्चा आपके नोन में हो जो सेमेस्टर में बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो उसको इंजीनियर्स ग्रुप बोल देना, इंजीनियर्स ग्रुप है ना, काफ़ी बेहतर प्रिपरेशन हो जाएंगे उसके, ऑनलाइन में कंपटीशन सेमेस्टर के दौरान बहुत बेहतर की तैयारी हो जाएंगे उसकी। ओके, इंजीनियर्स ग्रुप, दिस इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म फॉर कॉम्पिटिटिव एंड दैट इज फॉर सेमेस्टर। नाउ मैं यहाँ बात करूँ, दिस इज फाइम, ये क्या है जी, हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे सर यहाँ से I1 है, यहाँ से V1 है, लोड हमने लगा दिया R लोड, प्योर रजिस्टिव ही कहा जाए, R में तो कोई कम्बिनेशन हो नहीं सकता। सो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम सर 9। अब मैं बात करूं यहाँ पे, समझिएगा सर, अगर यहाँ का वोल्टेज क्या होगा सर E2, क्या होगा E2, और ये है I2, ये है RL लोड, ये है V1, ये है फाइम। सो ऐसे कंडीशन में ट्रांसफार्मर में क्या चल रहा है सर, ये तो फाइम ही चल रहा होगा। अब सर R रजिस्टिव हो गया, इसका मतलब E2 एंड I2 इन फेज होगा, क्या होगा सर, इन फेज में होगा, सेम फेज में होगा। इन फेज मतलब सेम फेज, इन फेज मतलब सर सेम फेज। ओके, अब मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। आइए इसको देख लेता हूँ, ये क्या हो गया। आइए जी, आइए अब मामला यहाँ का भी देख लेते हैं। जब रजिस्टिव लोड होगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वी एन आई आर इन फेज। नो मैं बात करूँ ना यहाँ पे, यहाँ बात करूँगा अगर तो क्या हो जाएगा, वेट अ सेकेंड, ओके नो क्या हो जाएगा सर, यहाँ देखिएगा ये आपका फायर फ्लक्स और इसी फेज में हमारा क्या होगा जी I म्यू, ये तो अब कई बार बना चुके, अब इसमें वक्त ज़्यादा नहीं जाया करना है। ये हमारा IW है, ये हमारा V1 है। रिजल्टेंट करंट की बात करें सर, रिजल्टेंट की बात करें तो यहाँ से सर आपका I0 तो है ही, I0 तो हमारा नहीं है, मतलब मशीन का I0 तो ये रहेगा ही। नो अब बात करूँ सर यहाँ पे कि इस सर्किट के अंदर A2 I2 सेम फेज में है, ये हमारा E2 है तो सर I2 भी सेम फेज में होगा। तो I2 को सेम फेज में करने के लिए ये लो, आपको कि सर ये I2 भी सेम फेज में हो गया है ना, एक E2 है एक I2 है, सेम फेज में हो गया ना, सेम फेज में हो गया तो हम फेज एंगल ही खत्म। अब इस सेम I2 का काउंटर करने वाला कौन होगा सर, I2 का काउंटर करने वाला कौन होगा सर, ये होगा। आइए इस I2 को काउंटर करने वाला I1 डाइस होगा, क्या होगा, I1 डैश होगा। अब देखिए सेकेंडरी साइड फेज एंगल 0, यहाँ पे फेज एंगल क्या φ2 0, लेकिन प्राइमरी साइड अब भी है क्योंकि I1 ये I0 और I1 का रिजल्टेंट बनेगा। तो रिजल्टेंट बना दीजिए सर, इसका ये इसके पैरेलल और इसका इसके पैरेलल। सो ये दोनों में रिजल्टेंट अब भी बनने के लिए तैयार है, इन दोनों का रिजल्टेंट अब भी बनने के लिए तैयार है, जो कि है आपका क्या सर I1, जो कि क्या है I1। अब यही रिजल्टेंट करंट रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच के एंगल को अपन क्या कहेंगे सर, फेज एंगल φ1। अब देखिए यहाँ फेज एंगल 0 बट यहाँ पे फेज एंगल प्राइमरी साइड एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड, इन केस ऑफ, नमस्कार जी नमस्कार, ओके, इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड। तो आई होप क्लियर होगा, यहाँ पे φ1 एग्जिस्ट, प्राइमरी साइड का फेज एंगल क्या कर रहा है सर, एग्जिस्ट करता है, प्राइमरी साइड का फेज एंगल एग्जिस्ट करता है। सेकेंडरी साइड का फेज एंगल क्या होता है, जीरो होता है, सेकेंडरी साइड का फेज एंगल क्या होता है, जीरो। दोनों फेड एंगल जीरो हो जाएंगे अगर ये हमारा नो लोड करंट फिर से जीरो हो जाए। तो एक पॉइंट आप और भी यहाँ लिख सकते हो, दोनों करंट जीरो हो जाएगा, दोनों फेज एंगल इक्वल हो जाएगा अगर नो लोड करंट आप क्या करोगे जी, नो लोड करंट क्या करोगे, नो लोड करंट क्या करोगे जी, अगर जीरो कर दो। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो यहाँ पे बार बार मैं लिख रहा हूँ आई वन डैश, वो किसके बराबर होता है, के इंटू आई टू के, के इंटू आई टू के बराबर होता है। कहोगे क्यों, लास्ट टाइम हमने निकाला था के बराबर हमारा निकला था आई वन डैश बटा आई टू, ये निकला था ना, हमने फेजर जब ड्रॉ किया था, जब हमने ट्रांसफॉर्मर रेशियो में आपका फुल लोड कंडीशन में पढ़ा था, तो ये निकला था ना के इजकल टू आई वन डैश, जिसको हमने बोला कि अगर आई नॉट को नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो यही लगभग किसके बराबर होता है, आई वन बाई आई टू के, ये पढ़ाया था ना लास्ट टाइम। तो के यहाँ से क्या निकल रहा है जी, के बराबर यहाँ से क्या निकल रहा है, के का एक और फॉर्मूला यहाँ से के बराबर, सॉरी के नहीं, आई वन बराबर आई वन डैश बराबर के इंटू आई टू। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें आई वन डैश किसके बराबर होगा, के इंटू आई टू को गुना कर दे, के इंटू आई टू को गुना कर दे तो अपन कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर का हमारा आई वन डैश भी निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से कंप्लीट फेजर हमने ड्रॉ कर दिया है। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यार के क्या बोला था हमने, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये ऑलरेडी करा रखा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके सो ये भी इसके फेजर हो गए। पॉइंट्स वही मेंशन कर सकते हो एज इट इज जो हमने पहले बोला। इसमें भी फेज एंगल यहाँ पे पहली बार अगर रेजिस्टिव लोड हो तो सेकेंडरी साइड यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी साइड सोर्स जो है और ये जो लोड है, यहाँ आर लोड है तो सोर्स इस लोड के लिए क्या हो गया, यूनिटी पावर फैक्टर। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में चलेगा। लोड कैसा है, रेजिस्टिव, इसीलिए फेज कैसा बना सेकेंडरी साइड का, जीरो। कैसा बना सर, हमका सिक्स वीडियो देख चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर का दिमाग में छप गया है, काश पहले से हम आपसे पढ़ते। ओके PKB, ओके बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि हम ऐसा सिखाने की कोशिश करें जो सही में आपके दिल दिमागों में छा जाए, है ना, एकदम दिल दिमागों में छा जाना है जी। पहले नहीं टकराएंगे कहीं और तो फिर कैसे पता चलेगा कि यहाँ अच्छा एजुकेशन है। अगर मैं से कोई बेहतर पढ़ाएगा तभी तो आपको पता चलेगा, फिर उसको बोलोगे सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाए, क्योंकि मैं पहले इतना बेहतर नहीं पढ़ा था। कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब आपने कभी दूसरे जगह इससे बेहतर क्वालिटी नहीं पढ़ा है, तभी आप कंपैरिजन करोगे। अगर कहीं खराब पढ़ा है, यहाँ आके बेहतर पढ़ते हो, तभी आप कह सकते हो। सो वो टाइम भी था जिससे आप एनालिसिस किए, अब आप बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। चलिए सर हम आपके एप्लीकेशन का स्टूडेंट है, वहाँ भी सेम पढ़ाएं जी, बिल्कुल कोई कंपटीशन, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहता। लाइव आप लोग यहाँ पे पढ़िए फिर से नए अंदाज में, नए तरीके से। बाकी चीज़ें आपको कुछ स्पेशल तो मिलेगा ही वहाँ, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ भी कुछ बेहतर तरीके से हम चाहते देने का, जिससे आपको एकदम कई दिक्कत ना आए। हायर लेवल में जाएंगे तो वहाँ पर और बहुत सी चीज़, सारी चीज़ों को देखने को मिलेगा। पहले कहते थे कि सर पहले ये कहता था कि वो अलमीरा भी क्या जिसमें रेक ना हो, और वो बच्चा भी क्या जिसको बैक ना हो सेमेस्टर के दौरान, लेकिन इसी को हमने ख़त्म किया। अब सेमेस्टर में इतना बेहतर तैयारी आप कर लेंगे कि आपका सेमेस्टर में बैक होने की कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, इसीलिए आपके लिए आया है इंजीनियर्स ग्रुप। ओके चलिए सर, बात हमने यहाँ पर किया कि सर हमने आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक लिया है, हमने आज के सेशन में क्या क्या टॉपिक लिया है। एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करना था, नो लोड में हमने फिर भी दिखा दिया, नो लोड कंडीशन ऑलरेडी कई बार हो चुका था। अब फुल लोड कंडीशन में देखना था कि फुल लोड कंडीशन में रेटेड लोड, फुल लोड या बाकी भी बिल्कुल सारा क्लास होगा। सुपर सर जी टीचर कहो एक नंबर होते हैं आप, ओके लाखों में एक होते हैं आप। ओके चलिए थैंक यू जी। नो आज हमने क्या बात किया सर, लुईस ट्रांसफॉर्मर का फेजर अलग अलग सेंस में बनाए जा सकते हैं अगर लोड अलग अलग होगा। लोड इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है, नौ। आगे बात करूं, अगर हमने फेजर में पहला लिया, अगर इंडक्टिव लोड होगा इंडक्टर लगाएंगे, फिर आप देखोगे किस तरीके से फेजर हुआ। इसमें यह सीखने को मिला प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर पुअर हो जाता है, सेकेंडरी साइड का बढ़िया हो जाता है, फेज एंगल जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। फिर इसको लैंग्वेज में लिखा, यही लैंग्वेज तीनों के लिए आप लोग लिखोगे। जब आपका फेज कैपेसिटर में, ये इंडक्टर में लिखा, सेम कैपेसिटर में लिखोगे, वहाँ पे ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो क्या हो गया, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, ओके। और दोनों का फेज एंगल सेम होगा कैपेसिटर में भी, अगर दो फेज एंगल को नो लोड करंट को नेगलेक्ट कर दिया जाए, मामला सबका सेम होगा। पावर जनरेशन में पढ़ाइएगा सर, बिल्कुल होगा जी, सर्किट सारे एकदम मस्त है सर, बिल्कुल मस्ती कराते हैं, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, एकदम इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए बेधड़क। नाउ इफ लोड इज कैपेसिटिव, तीसरा पॉइंट बोला, और ये कैपेसिटिव लोड में आपको मिलेगा इस तरीके से। और इस कंडीशन में एक चीज मिल गया, सेकेंडरी साइड का फेज एंगल हो गया जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज करंट के बीच एंगल नहीं होगा, सॉरी कैपेसिटिव का है ना ये, इसका कैपेसिटिव का नहीं, रेजिस्टिव का फेज एंगल जीरो। वोल्टेज और करंट के बीच लोड रेजिस्टिव है, इसलिए फेज एंगल जीरो। लेकिन प्राइमरी साइड एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी साइड नो लोड करंट है, प्राइमरी साइड नो लोड करंट है। बिल्कुल सब होगा, सब होगा, डोंट वरी, सब होगा। 1 तारीख से बहुत सारा क्लास आपका चलने वाला है, 1 अप्रैल से। ऐसे कहने के लिए तो झूठा डे है, 1 अप्रैल है ना, कहते हैं कि 1 अप्रैल को आप जो भी बोलते हो सही नहीं होता या ठगा जाते हैं, ठगा जाता है आपसे। लेकिन 1 अप्रैल से हमारा बहुत सारे ऐसे क्लास स्टार्ट हो रहे हैं हर जगह, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो चलिए सर, आज के रिगार्डिंग हमने तीनों लोड देख लिया। हम फिर मिलेंगे, झारखंड जेई का एग्जाम 29 अप्रैल से है सर, कुछ उससे सब्जेक्ट्स में बता देते हैं, ओके। चलिए सर, और एक बात और, आज के टॉपिक को यहीं एंड करेंगे। झारखंड जेई की बात क्या है, उनके लिए अलग से हम टाइम निकालेंगे। मूर्ख दिवस, बिल्कुल सत्यजीत जी, मूर्ख दिवस। सो हम मिलेंगे सर अगले सेशन में। उस सेशन में हम क्या करेंगे सर, आपका इसके बाद वाले टर्मोलॉजी को देखेंगे कि सर कॉपर में किस तरीके से लॉस होता है। अगर ये कॉपर का बना है तो सीयू के अंदर वोल्टेज क्या ड्रॉप होता है, उनकी भी चर्चा होंगी। लेकिन वो कब होगा सर, नेक्स्ट क्लास होगा हमारा, नेक्स्ट क्लास जिसकी टाइमिंग यही रहेगी, सुबह 10 बजे। और भी बातों की जिक्र मैं कर दूं यहाँ पे, सुबह 10 बजे आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा। और ये डेली चलेगा, ये क्या चलेगा सर, डेली है ना, डेली। और कॉपर में ड्रॉप क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, ओके। सर ऑब्जेक्टिव सर कुछ है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे अभी। चलो इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का सेशन ले लेता हूँ, 50 क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, है ना, ये भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन ही ले लेंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे जी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करा दीजिए प्लीज़, बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है जी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।